हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर एस अपनी प्रॉपर्टी, हमारा सपना सबका घर होगा अपना। और दोस्तों, आज फिर से लेके आए आपके लिए 4 BHK कोठी जो कि होने वाली है पटियाला नियर ट्रिप्टी मार्केट। दोस्तों, बात करेंगे इस कोठी के बारे में। तो सबसे पहले हम अंदर एंट्री करते हैं, पहले आपको कार पार्किंग मिल जाती है, उसके बाद जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे रूह खुश हो जाएगी आपकी। सबसे पहले यहाँ पर आपको बना दिया एक LED पैनल जो कि आप देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन है और बनाया हुआ है। फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग आप देख सकते हो एज इट इज़ आपको मिलने वाली है और बहुत ही प्यारी लुकिंग यहाँ पर दे दी है। उसके बाद आता है हमारा लिविंग एरिया जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल सेपरेट यहाँ पर बना दिया है। और स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, अगर आप यहाँ पर 10 सीटर सोफा लगाते हो तो भी स्पेस को आपकी कोई कमी नहीं होने वाली। फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग इसकी सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। और जैसे आप एंट्री करते हो उसके लेफ्ट साइड में आता है हमारा किचन जो कि बिल्कुल मॉड्यूलर किचन यहाँ पर होने वाला है। स्पेसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आपका फ्रिज रखने का स्पेस आया था। उसके बाद सामने आ जाती है हमारी यहाँ पर विंडो और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी चिमनी आ जाएगी और यहाँ पर जो ब्लैक कलर की ग्रेनाइट से इसको पूरा कवर किया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम में यहाँ पर आपको दिखा दूँ बेडरूम की लुकिंग, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। 3D वॉलपेपर से पूरा ऊपर तक कवर किया गया है। यहाँ पर आ जाती है हमारी स्लाइड कबर्ड जो कि आप देख सकते हो कबर्ड जो है पूरी ऊपर तक कवर की गई है। ये हमारी ड्रेसिंग आ जाती है और साथ ही इसके आ जाता है हमारा LED पैनल जो कि सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा रहता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की अगर बात करूँ तो ब्लैक और वाइट कलर की टाइल का कॉम्बिनेशन बना के 8 फिट तक लगभग कवर किया गया है। यहाँ पर हमारी विंडो आती है ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो और एग्जॉस्ट के फैन के लिए ऊपर स्पेस दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम और बेडरूम यहाँ पर देखोगे ये भी सेम बिल्कुल एज इट इज़ होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर 3D वॉलपेपर आपको मिल जाएगा जो कि पूरा कवर ऊपर तक कवर करके दिया हुआ है। उसके साथ हमारी आती है स्लाइड कबर्ड जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो एज इट इज़ मिल जाएगी, पूरी ऊपर तक कवर की गई है। उसके साथ ही यहाँ पर हमारी आई थी LED पैनल जो कि यहाँ पर सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। और वॉशरूम यहाँ पर अटैच वॉशरूम लेने वाला है। और ये आ जाता है हमारा वॉशिंग एरिया जो कि छोटा सा वॉशिंग एरिया यहाँ पर आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। सेम 2 BHK नीचे, मतलब 2 BHK नीचे बना हुआ है और 2 BHK हमारा ऊपर बना हुआ है। तो ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो आ जाइए फटाफट। अगर ऊपर वाला पोर्शन अगर आप रेंट पर भी देते हो तो भी आपका अच्छा खासा रेंट यहाँ पर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली नीचे रहती है और किसी फैमिली को ऊपर अगर आप रेंट पर देते हो तो उसमें भी आपका 10 से 12 हज़ार रुपये रेंट यहाँ पर इजी आराम से आ जाएगा। तो जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर करते हैं मंदिर की तरफ। जैसे ही हम एंटर करेंगे सबसे पहले आया था हमारा ये फर्स्ट बेडरूम जो कि यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ यानी कि थर्ड बेडरूम हमारा रहेगा। तो ये थर्ड बेडरूम देख सकते हो साइज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशियस है। बेड वेड लगने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस बचा जाएगा, विंडो वगैरह भी इसमें दे दी है। उसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा हमारा वॉशरूम। वॉशरूम यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट बना दिया है दोनों रूम से, मतलब दोनों रूम के लिए यही वॉशरूम अवेलेबल रहेगा जो कि 8 फिट तक टाइल वगैरह कवर इसकी की गई है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम यहाँ पर आप देखोगे तो फोर्थ बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। 3D वॉलपेपर यहाँ पर पूरा कवर किया गया है। फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग सेम एज इट इज़ मिल जाती है। और यहाँ पर आती है हमारी विंडो बाहर का व्यू वगैरह के लिए, यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। तो फ्रंट बालकनी इसकी मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। ये जो है हमारी नॉर्मल फ्रंट बालकनी है, यहाँ पर आप चेयर्स वगैरह लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो इन फ्यूचर टी कॉफ़ी इन्जॉय करने के लिए। तो ये हमारी फ्रंट बालकनी है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बैक साइड एरिया। बैक साइड में अगर आप चाहो जैसे बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये जो एरिया यहाँ पर बचा हुआ है यहाँ पर आप अपना किचन वगैरह बना सकते हो या फिर आप इसको मतलब डेकोरेट वगैरह कर सकते हो, कोई और चीज़ें चेयर्स वगैरह लगा सकते हो यहाँ पर। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो ये आ जाता है हमारे बैक साइड एरिया यानी कि छत आ जाती है हमारी। और छत भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर रहेगी आप देख सकते हो। अगर आप इन फ्यूचर इसमें रूम्स वगैरह बनाना चाहो तो वही बना सकते हो या फिर कुछ और डिज़ाइन करनी चाहो तो वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। कोठी की दोस्तों मैं बात करूँ तो 4 BHK कोठी होने वाली है। तो 5 गज की एक कोठी रहेगी। प्राइस की अगर बात करूँ तो इसको जो टोटल प्राइस रहेगा वो रहेगा 45 लाख रुपये। प्राइस नेगोशिएबल रहेगा। तो आइए फटाफट विजिट कीजिए, फाइनल कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।